भाई क्या लग रही है यार, मेरे को तो डर लग रहा है जिस हिसाब से मैं इसको बोल रहा हूँ, मेरी खुद की नजर ना लग जाए इसको। तो क्या हाल है भाइयों के, वेलकम बैक टू चैनल ऑपरेटिंग वेल। ओ भाई हैवी ड्राइवर्स, ओडो वाले भैया, व्हाट वाज दैट? सो आई हैव टू अवॉइड धूप, इतनी तेज धूप है भाई, इतनी गर्मी है। चलते टाइम का तो चलो कोई सीन नहीं है, बट जब पार्क करना है तो पार्क मेरे को अच्छी जगह पे करना है जहाँ पे छाव हो, धूप के साथ कॉन्टेक्ट ही ना हो, अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो रैपिंग है खराब हो जाएगी। तो गाइस अभी मैं धर्मशाला जा रहा हूँ प्रणव को बाइक दिखाने के लिए, कल से फोटोज मांगी जा रहा है बट मैं दिखा नहीं रहा हूँ उसको, उसको मैंने सिर्फ बताया है कि मैंने रैप करवा लिया है। तो इवन ही इज एक्साइटेड कि ऐसा क्या करवाया, मेरे को तो बोलते तूने फिर से कुछ ना कुछ ऐसे करा दिया होगा ओवर मॉडिफिकेशन, बट इस बार ओवर मॉडिफिकेशन नहीं है, इस बार बिल्कुल सिंपल मॉडिफिकेशन है। तो अभी जाते हैं थोड़े से बाइक के सिनेमैटिक्स लेते हैं, प्रणव का रिएक्शन लेते हैं, थोड़ा बहुत बाकी लोगों का रिएक्शन लेते हैं। आय हाय सोना ही सोना भाई, बपिलारी बन गया हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत इसको फिनिशिंग टच देना बाकी है, थोड़ा सा काम बचा है, तो वो भी मैं इस मंथ में करवा लूंगा, तो इस मंथ के एंड तक बिल्कुल रेडी होगी। एंड आई एम श्योर कि किसी ने ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं करवाई होगी। आप कमेंट्स करके बताते रहना गाइस कि आपको कैसी लग रही है राम प्यारी 3.0। अगर सच बात बोलूं गाइस तो आई ऑलवेज वांटेड अ ब्लैक बाइक, बट जब RN5 मेरा लेने का टाइम था तभी सिर्फ ब्लू कलर और रेड कलर आता था, तो रेड तो वैसे ही मैट था, सो आई वॉज अ फैन ऑफ ग्लॉस, तो तब मेरे को ब्लू के लिए जाना पड़ा था। बट मेरे मन में एक डिजायर ही था दैट आई वांट अ ब्लैक R15, बट आफ्टर दैट जो कंपनी की तरफ से ब्लैक कलर आता है वो भी इतना कुछ अपीलिंग था नहीं, लाइक मैट था वो। अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, मेरे को मैट बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे को ग्लॉस पसंद है। तो बोल सकते हैं कि अभी वाला जो रैप है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंड काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है गाइस। आई वांट कि सभी लोग तारीफ करें, और स्कूटी वाले भैया थोड़ा तेज चलिए। आज फिर से लिफ्ट, आज कहाँ पे, आज कहाँ पे जा रहा है, क्यों आज क्यों, मेला देखने? एक बंदा चलेगा, दो नहीं जा सकते, दोनों को नहीं ले जा सकते ना, एक बंदा ना 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 ना, ना गिर जाएंगे नहीं 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 ना, फिर इसका यार ऐसे गिर सकते, एक बंदा चल पड़ो चलना। तो कहाँ पे जा रहे हो आज, तो इतने सारे उस दिन आ गया था घर, उस दिन घर आ गया था, खाया था कुछ, क्या खाया, मोमो खाए थे, अच्छा हाँ चढ़ाए थे, वेरी गुड यार। बाइक लेनी है, तो अगर बाइक लेनी है ऐसी ऐसी तो पढ़ना पड़ता है, ऐसे मेले देख के थोड़ी ना होगा कुछ। चल ठीक है फिर, देख मेला, हाँ तो मेला अच्छा। सो गाइस आउट ऑफ नो वे आई मेट हिम अगेन, अभी दो दिन पहले इसको मैं मिला था जब इसको मंदिर जाना था, तो इसको मैंने डिफरेंटली 10 रुपए दिए थे कि मेरी तरफ से मंदिर में चढ़ा देना, और 50 मैंने डिफरेंट दिए थे कि कुछ खा लेना और वापस आ जाना उधर से मंदिर से। तो मेरे को लगा था कि बच्चा यार ये कहाँ पे चढ़ाएगा मेरे नाम के, खा लेगा कुछ ऐसे वैसे, बट मैंने सोचा चलो छोड़ो, पर ये भी भगवान का ही रूप है, बच्चा ही है, ये भी खा लेगा तो कोई बात नहीं है, वो भी भगवान को ही लग गया। बट ही वॉज लाइक कि वो मैंने 10 रुपए कपाट में डाल दिए थे माता के, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, और बोलता मैंने मोमोज भी खा लिए थे, तो बढ़िया बात है यार। अंकल जी हट जाइए थोड़ा सा। सो आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड गाइस, सो हिज नेम इज अलंकार, तो वो भी एक्साइटेड है बाइक देखने के लिए। अल्टो वाले भैया क्या कर रहे हैं आप, तो वो भी एक्साइटेड है बाइक देखने के लिए, तो उसका फोन आता है कि मेरे को भी दिखाना बाइक। सो बिफोर मीटिंग प्रणव मैं अलंकार से मिल लूंगा, और अलंकार का रिएक्शन देखते कैसा आता है, तो अभी उसके घर के बाहर जाऊंगा, उसको कॉल करूंगा और बुलाऊंगा उसको। क्या राम प्यारी यहाँ से निकल सकती है? बलिनो वाले भाई साहब आपने जाम लगा दिया, पर राम प्यारी जिम जाती यार, फिट है ये, निकल जाती छोटी छोटी जगह से भी। सो आई वॉज थिंकिंग गाइस कि एक बार मैं कॉलेज वाली साइड भी जाऊंगा, तो लोगों के रिएक्शंस मिल जाएंगे, कैसे रिएक्शन मिलते हैं वो कैप्चर करते हैं। जितना एक्साइटेड वो लोग नहीं होंगे बाइक देखने के लिए, उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ अपनी बाइक दिखाने के लिए। लाइक होते हैं ना गाइस, आई जस्ट होप कि आप रिलेट कर पाओ ये वाली फीलिंग, कि आपने कोई काम करा बड़ा बढ़िया था और आप चाहते हैं कि लोग उसकी तारीफ करें, तो बस वो तारीफ चाहिए मेरे को। रास्ता तो वैसे ये वाला वन वे है, बट डर लगता है भाई क्योंकि टू व्हीलर्स की एंट्री अलाउड है यहाँ से, तो बाय चांस अगर मैं तेज ओवरटेक करूँ और आगे से कोई टू व्हीलर आ रहा होगा तो भाई क्रैश हो जाएगा। हाँ रिएक्शंस, मुड़ मुड़ के देखा जा रहा था अपनी बाइक को। यार मैं तेरा घर भूल गया यार, कहाँ पे था? दाढ़ी ग्राउंड के थोड़ा सा आगे, और वो जो पुल आता आगे उसके थोड़ा सा पीछे। ओ माई गॉड टाइगर, उल्लू के बट्टे वहां से पीछे, दारू की दुकान पता तेरे को, दाढ़ी की
मैं दारू पीता नहीं हूँ, मेरे को दारू की दुकान पता नहीं होगी भाई। दोस्तों ने जी मेरी तरह जो घर भूल जाते लोगों का। दिख गया दिख गया दिख गया। How's it, bro? How's it? बढ़िया लग रही है पक्का। छपरी तो नहीं है? नहीं। सेक्सी एकदम। अभी तो थोड़ा सा काम है ना, जो सिल्वर वाला है ना नीचे, उसको भी या तो गोल्डन करवाऊंगा या ब्लैक करवाऊंगा। ये पार्ट रह गया, फिर ये स्टैंड रह गया और ये रह गया बस। और साथ में वो रिम्स हैं, उसका भी काम होना है अभी, वो भी गोल्डन होने। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। पक्की बात है? अब धूप पे नहीं खड़ी कर सकता ना इसको मैं, धूप है यहाँ पे। बढ़िया पक्का, यू लाइक दिट? हाँ। अभी तो तेरा रिएक्शन कैप्चर हो रहा है। ओह माय गॉड, यू आर ऑन कैमरा ब्रो। यार मस्त है यार, ये बहुत बढ़िया। मैंने सोचा एकदम नेचुरल रिएक्शन लूंगा ना, जेन्युइन एकदम। अच्छा भाई, जब तू आया ना ऐसा लगा कि क्या मस्त चीज आई है। वो देखो रे, और भाई कैसे हो? सब्सक्राइबर ना आप? ओहो, ये करवाया मैंने बाइक में, कैसी लग रही है? पक्का देखना, अभी इसकी वीडियो आएगी शाम को, अच्छी लग रही है ना पक्का। मोमोज वाली वीडियो है जो ऊपर मैक्सिमस है ना, उसके नीचे तो रिएक्शन बढ़ गया। एंड मिल रहे थे उनके, वो जो ITI वाले बंदे गए, वो मैंने खुद ही दिखाया। बाई चांस अगर पुलिस मेरे को रोकती है कि RC में कलर चेंज है, मैं बोलूँगा सर टेपिंग है, सिर्फ कलर यही है। बढ़िया पक्का, थैंक्स ब्रो। पता लगे सिर्फ झूठ रिएक्शन दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल रखने के लिए। बाकियों को भी दिखाऊंगा, फिर पूछूंगा कैसे लगती है उनको। अच्छा लग रहा है गर्ल्स, प्लीज DM हिम, इसका नाम है अलंकार। तो रिएक्शन मिल चुका है, पॉजिटिव रिएक्शन था। तो गाइस मेरी किस्मत ही खराब है, अभी मैं प्रणव की कोचिंग के बाहर पहुंचा ही था और मेरा कैमरा मतलब मर चुका है। नाउ आई डोंट नो तब मरा है या फिर उससे पहले का मरा है, बट मेरे को पता नहीं अभी रिएक्शन अलंकार के कैप्चर हुए कि नहीं हुए, कब कैमरा बंद हो चुका है और अब बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। मे भी इसकी बैटरी खत्म होगी या फिर हैंग हो गया ओवर ईटिंग की वजह से, बिकॉज गर्मियों में होता है कि ओवर ईटिंग की वजह से बंद रहता है कैमरा। तो अभी मैंने इसकी बैटरी निकाली तो थी, बट काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है वो, तो मे भी ओवर ईटिंग की वजह से और अब ऑन नहीं हो रही है। तो GoPro तो मर चुका है गाइस, फ़ोन से व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। अभी प्रणव का फ़ोन आया था, तो फ्रेंड जोन है वो, तो फ्रेंड जोन जाते और उसका रिएक्शन चेक करते हैं। वैसा रिएक्शन मिलेगा नहीं वैसे, क्योंकि GoPro ही नहीं है, फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट देखता हूँ कि कैसा सीन बनता है। बाकी आई एम डिसअपॉइंटेड GoPro, आई हेट यू। सो गाइस ये अशोर है नई बाइक के साथ, कल इसके साथ वीडियो बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। अभी तो GoPro की बैटरी बिल्कुल ही खत्म है, बट अभी मैंने टेस्ट राइड ली, मज़ा आ गया भाई। चल शौर्य मेरी बाइक देखने, चलो पांडू। ओ गंजा पांडू, वो कौन था? बाजीराव। बाजीराव वो गंजा रणवीर सिंह ने बना था, देख। सो हाउ इज इट, ला लो रिएक्शंस, लाइव रिएक्शंस। हाँ अभी तो थोड़ा काम बचा हुआ है, बट कैसी लग रही है बता पांडू? ऐसे रिएक्शन देते हैं, असली रिएक्शन कैसे ऐसे कर? ओ माय गॉड, ना सिंपल ही करानी थी। बट अभी देख, जब जो इसके एलॉयज है वो गोल्डन होंगे, वो नीचे सिल्वर है वो गोल्डन होगा, बड़ी सेक्सी लगने वाली है। ये सब भी तेरे को गोल्डन ही कराना चाहिए। ये मैं खोल रहा हूँ, वो मैं पुलिस को दिखाने के लिए। बाई चांस मेरा चलान कटेगा, मैं बोलूँगा टेपिंग है सर, पेंट वही है। दिमाग ऐसे कर, मुँह पे आता मुँह ऐसे कुछ रिएक्शन से। ओ ठीक है ना, पॉजिटिव रिएक्शन अच्छे हैं यार, ऐसे ही लगाने। बताओ बताओ बताओ, हाउ इज इट? पक्की बात है? अभी प्रणव बाइक चलाएगा और मैं पीछे से शूट करूंगा। आप बाइक देख रहे थे, कैसी लगी आपको? बड़ी लगी जबरदस्ती रोक ली थैंक्स ब्रो। अभी मेरे कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहा था पांडू, कैसा था? कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते हाँ, इसको छेड़ना बोलते हैं, मुंगली करना बोलते तो ज़्यादा वो कर मत कर साले, बलगर मत कर, मतलब वो कर सकते हैं छेड़ छेड़ छेड़ने वाले स्किल्स लड़कों को छेड़ते। तेरे लिए छेड़ रहा था, तेरे को लड़के पसंद नहीं, इंटरेस्ट तेरा लड़कों वाले ही है, तभी गंजा हुआ तू कटप्पा क्या
तभी लॉजिक कैसा हुआ दे रहे हैं? मेरे लॉजिक है। अभी और GoPro की बैटरी तो है नहीं, अब इतना भी आइडिया नहीं कि कहाँ देखो उसने रिकॉर्ड करा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कल का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल हम चलाएंगे शौर्य की कौन सी बाइक है ब्रो, साल है 390 तो उसमें मज़ा आने वाला है। तो इसी खाती इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर शौर को वीडियो पसंद आई होगी तो उसने लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। पांडू लास्ट तेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दे, हाउ इट इज लुकिंग? ठीक है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, फिर बोल। अभी करवाएगा ना काम पूरा, नहीं करवाया पर बहुत बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत सेक्सी एकदम। तो ऐसे ऐसे फेक एक्सप्रेशंस बनाओ, कमेंट्स में बताओ कैसी लग रही है आपको।